सरफिरे आशिक ने प्रेमिका के शादी से इनकार करने को लेकर प्रेमिका पर ब्लेड से हमला बोल दिया, जिससे प्रेमिका घायल हो गई। जैसे ही प्रेमिका चीख पुकारने लगी तो उसका परिवार वहां आ गया। परिवार से बचाव के लिए प्रेमी ने खुद को भी गला काट लिया और दोनों का इलाज जारी है। थाना मार्ट मथुरा की ग्राम पंचायत जावरा के एक गांव में दो परिवारों के मिलनसार व पड़ोसी होने के कारण मिलते जुलते रहते थे और एक दूसरे के यहां आते जाते रहते थे। इसी दौरान दोनों पड़ोसी लड़का लड़की में प्यार बढ़ गया, लेकिन परिवार वालों को पता चलने पर दोनों में आना जाना बंद हो गया और बंदिशें लगा दी गयी। लेकिन संघ की प्रेमी लड़की के घर पर गाड़ी खड़ी करके दबे पांव लड़की के कमरे में सोमवार की सुबह घुस गया और लड़की पर भागकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। जब लड़की ने मना कर दिया तो उसने लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए ब्लेड से वार कर दिया। हमला होते देख लड़की की चीख पुकार निकल गई और परिजन दौड़कर कमरे की तरफ पहुंचे तो सनकी आशिक ने लड़की के कमरे में ही अपना गला रेत दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची मार थाना पुलिस लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल लेकर गई। वहीं लड़की व उसके परिजनों ने मार्ट थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है। इस घटना की जानकारी लड़की द्वारा दी गई। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। मैंने मना कर दी, बाहर पापा बाहर काम करे, मम्मी भी बाहर सो रही तो उन्हें मालूम ना पड़ी। फिर उन्हें मालूम पड़ी तब तक जैसे ही अंदर आए मम्मी और पापा, तब तो उसने अपने गर्दन पर ब्रेक मार दिया और मेरे हाथ में भी स्ट्रेच कर दी उसने मारने के लिए। मैं तो बच गई लेकिन उसके गर्दन पर लग गया। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, बस या तो उसकी शादी करेगी वर मैं मर रहा हूँ तो देख मार। तो क्या पहले से आपका आना जाना था, मिलना जुलना था? नहीं, बंद था सब। तो पहले कभी रहा था? पहले हाँ, पहले था, लेकिन घर वालों की प्रॉब्लम होती है सबकी, तो इसलिए बंद था सबका। ठीक है।